साथियों, पंढरपुर की तो आभा, पंढरपुर की अनुभूति और पंढरपुर की अभिव्यक्ति सब कुछ अलौकिक है। आपण म्हणतो ना, माझे महरे पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी, वाकई पंढरपुर मां के घर की तरह है। लेकिन मेरे लिए पंढरपुर से दो और भी बहुत खास रिश्ते हैं और मैं आज संत जनों के सामने कहना चाहता हूं, मेरा विशेष रिश्ता है। मेरा पहला रिश्ता है गुजरात का, द्वारिका का। भगवान द्वारकाधीश ही यहां आकर विट्ठल स्वरूप में विराजमान हुए हैं। और मेरा दूसरा रिश्ता है काशी का। मैं काशी से हूं और ये पंढरपुर हमारी दक्षिण काशी है। इसलिए पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा ही है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। ये वो भूमि है जिनके बारे में संत नामदेव जी महाराज ने कहा है कि पंढरपुर तब से है जब संसार की भी सृष्टि नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हमारे मनों में भी बनती है, बसती है। ये वो भूमि है जिसने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे कितने ही संतों को युग संत बनाया है। इस भूमि ने भारत को एक नई ऊर्जा दी, भारत को फिर से चैतन्य दिया। और भारत भूमि की विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। आप देखिए, दक्षिण में माधवाचार्य, निंबार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में नरसिंह मेहता, मीराबाई, धीरो भगत, भोजा भगत, प्रीतम, तो उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव जैसे अनेक संतों के विचारों ने देश को समृद्ध किया। अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड, लेकिन एक ही उद्देश्य, सबने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना फूंकी, पूरे भारत को भक्ति की शक्ति का आभास कराया। इसी भाव में हम ये भी देखते हैं कि मथुरा के कृष्ण गुजरात में द्वारकाधीश बनते हैं, उडुपी में बालकृष्ण बनते हैं और पंढरपुर में आकर विठ्ठल रूप में विराजित हो जाते हैं। यही भगवान विठ्ठल दक्षिण भारत में कनकदास और पुरंदर जैसे जैसे संत कवियों के जरिए जन जन से जुड़ जाते हैं। और कभी लीलाशुक के काव्य के मैसेज केरल में भी प्रकट हो जाते हैं। यही तो भक्ति ही है जो जिसकी शक्ति जोड़ने वाली शक्ति है। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के भव्य दर्शन है।